मानव समाचार मानवता के हक में। देखो ये जो अभी संतोष मालपुरी के साथ ये जो हादसा हुआ है हमारे सेठ है वो, और ये कुसंबर रोड से जिस वक्त ये गुजरे हैं वहाँ से बगार पानी लेके बैंक की तरफ से, तो यहाँ पर ये जो होटल लगी हुई है यहाँ पर, तो ये होटलों पर जो भेजा गर्दी लगती है उसमें कुत्ता गोली, गांजा, चरस, अफीम, ये सब लोग यानी यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसमें कोई आदमी समझ नहीं सकता है कि ये कौन है क्या है, लेकिन पुलिस का ये काम है कि इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाए। आज ये हमारे सेठ के साथ ऐसा हुआ है, जैसे उनकी गाड़ी लेके भागे है ना, कल किसी के भी साथ हो सकता है ये बात। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई सेठ है तो उसके पीछे चलेंगे, कल ऐसा भी हो सकता है जिसको यानी पगार लेके जाते हैं तो उनके साथ भी हादसा पेश होता है। जिस तरीके से हम लोग रोड पे चलते हैं, इस तरीके से गाड़ी से मोबाइल निकाल लिए जाते हैं, इतनी धांधली चल रही है, कटर चलाया जा रहा है, कुत्ता गोली खा के हम लोगों को ध्वस दी जाती है। हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको कुसंबर रोड की तरफ से। और यहाँ पर रिवॉल्वर बताई जा रही है, बंदूक लेके चला जा रहा है। हमारी प्रशासन से, पुलिस से सबसे हमारी विनंती है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो एक पकड़ा गया है उसको यानी कबूल करवाकर उसको बराबर आरोपी को सामने लाया जाए, ये हमारी विनंती है। संतोष शांताराम मालपुरे कुसुंबा रोड 12 वाजता प्राण घातक हल्ला झाला, त्या हल्ल्यामध्ये त्यांच्यावर गळ्यावर वार करण्यात आला, परंतु त्यांनी आपल्या हाताची काही बोटं आडवी केली, त्यामुळे तो वार जो हातांच्या बोटावर पडला आणि हातांच्या बोटं त्याच्यामध्ये त्याला फ्रॅक्चर झाले आणि 24 टाके त्याला पडलेले आहेत, त्याला पवार डॉक्टरकडे ऍडमिट केलेलं आहे आणि जीवन पवार यांच्याकडे त्यांना ऍडमिट केलेलं आहे। अतिशय प्राणघातक हा हल्ला झालेला आहे, त्याचा सर्व निषेध म्हणून आम्ही एसपी साहेबांना आता आम्ही भेटणार आहोत। तीन आदमी होते हल्लेखोर, हे 3 जण होते पण 1 सापडलेला आहे आणि 1 त्याला ऍडमिट केलेलं आहे, याच्यामध्ये सिव्हिल हॉस्पिटल ऍडमिट केलेलं आहे। आता त्याचा आम्ही निषेध म्हणून एसपी साहेबांना आम्ही निवेदन द्यायला चाललेलो आहोत, एसपी साहेबांची आता आमची भेट आहे। ऐसा जो अपराध होता है अपने मालेगाव शहर जो एकता है उसको ये बहुत बड़ा तकलीफदायक है, इसके लिए इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, जिन्हें अपना मालेगाव का जो शांतता रहे और मालेगाव में अमन कायम रहे। कड़क कार्रवाई करने भी इधर से आते जाते रहते हैं, तो कल के मजदूरों के जो मोबाइल छीन के लेके भाग रहे, कारखाने में घुस के कटर मार दे रहे, तो हम पुलिस से विनती करते हैं कि जरा सा पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे ढंग से निभाए। इधर कुत्ता गोली गांजे वाले ये रोड पे बहुत ज्यादा धांधली मचाए हुए है, तो हमारी पुलिस से विनती है कि जरा सा हमारा कोऑपरेट करे, हमारे मजदूर भाइयों का कोऑपरेट करे जरा सा। मोबाइल भी छीन के चालू फोन लेके भाग जा रहे लोगों का, कारखाने में घुस के फोन लेके भाग जा रहे।